ईरान की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में ये लड़की अंडरवेयर में नज़र आ रही है। बीबीसी फारसी की डिजिटल टीम ने इस घटना की जगह की पुष्टि की है। ये जगह तेहरान का इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च का ब्लॉक 1 है। बीबीसी के मुताबिक ये घटना शनिवार 2 नवंबर की है। सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो में अंडरवेयर में ये लड़की यूनिवर्सिटी कैंपस में एक मंच पर बैठी है और यूनिवर्सिटी के पुरुष और महिला सुरक्षा अधिकारी उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में उनकी बातचीत नहीं सुनी जा सकती। एक अन्य वीडियो में ये लड़की ब्लॉक 1 के पास एक सड़क पर चलते हुए दिख रही है। उनकी हलचल से स्पष्ट है कि वो अपने शॉर्ट्स उतार रही हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया भी इस बात की पुष्टि करती है। थोड़ी देर बाद कई पुलिस अधिकारियों के साथ एक कार घटनास्थल पर आती है। ऐसा दिखता है कि कई अधिकारी इस कार से उतरते हैं और आक्रामक अंदाज में इस लड़की को कार में बिठा लेते हैं। कई रिपोर्ट्स में इसे विरोध का तरीका बताया जा रहा है। इस घटना को हिजाब पहनना ज़रूरी करने और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारियों के व्यवहार के विरोध की प्रतिक्रिया बताया जा रहा है। इस घटना के 2 चश्मदीदों ने बीबीसी फारसी के साथ एक बातचीत में घटना के बारे में बताया। उन्होंने बीबीसी फारसी को बताया कि लड़की हाथ में मोबाइल फ़ोन लेकर कई क्लासरूम में घुस गई और लग रहा था कि जैसे वो छात्रों के वीडियो बना रही हो। उनके मुताबिक बिना अनुमति के क्लासरूम में घुसने से नाराज प्रोफेसरों में से एक ने एक छात्र को उसके पीछे ये पूछने के लिए भेजा कि वो क्या कर रही है। एक गवाह के मुताबिक इस पर वो लड़की चिल्लाने लगी और शोर मचाने लगी। एक चश्मदीद ने बीबीसी को बताया कि जब वो कैंपस में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की ने अपने कपड़े उतार दिए थे। इन चश्मदीदों के मुताबिक लड़की ने बिल्डिंग के अंदर छात्राओं से कहा कि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क विभाग के निदेशक अमीर महजूब ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में इस लड़की को यूनिवर्सिटी की छात्रा बताया है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के साथ उसकी किसी भी तरह की बहस से इनकार किया है। अमीर महजूब के मुताबिक जांच से पता चला है कि लड़की ने अपनी मानसिक दशा के चलते अपने सहपाठियों और अपने शिक्षकों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिस पर उसे टोका भी गया। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों की चेतावनी के बाद वो भागते हुए कैंपस में चली गई और ये सब किया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये छात्रा गंभीर मानसिक दबाव और मानसिक बीमारी से ग्रस्त है और उसे एक मेडिकल सेंटर भेजा गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस लड़की की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्स पर लिखा है कि 2 नवंबर को हिंसक तरीके से गिरफ्तार की गई छात्रा को ईरानी अधिकारियों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करना चाहिए, जिसके साथ इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में सुरक्षा अधिकारियों ने जबरन हिजाब पहनने के लिए दुर्व्यवहार किया और इसके विरोध में उसने अपने कपड़े उतार दिए। एमनेस्टी ईरान ने एक्स पर लिखा है, इस दौरान अधिकारियों को उनके साथ अत्याचार और अन्य दुर्व्यवहार को रोकना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके परिवार के सदस्यों को वकील मिल सके। हिरासत के दौरान उनके खिलाफ मारपीट और यौन हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जांच भी की जानी चाहिए। हालांकि इस लड़की ने जो कुछ किया उस पर अलग अलग कहानियां और दावों की वजह से हम इसकी सबसे बड़ी वजह नहीं जानते, लेकिन कई यूजर्स ने इस लड़की के इस कदम को हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ विरोध बताया है, जो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा बलों के कठोर रवैये के खिलाफ किया गया। ऐसा दावा करने वालों में एक वकील मरियम कियानार्थी भी शामिल हैं, जिन्होंने लिखा है कि मानविकी की इस छात्रा का विरोध हिजाब पहनने के लिए छात्राओं पर कठोर और अनुचित दबाव की निशानी है।